ये स्टूडेंट, आज आप लोगों को कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.1 का मैथ बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने के लिए, तो प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, पहले भी बताए हुए हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। तो इधर देखिए, अगर हम मान लेंगे ये क्या है, ए है कोई संख्या, ये भाज्य है ए है, तो भाज्य ए है, तो हमको इसमें दिया हुआ है क्या, देखिए यहाँ 3m या 3m+1, तो 3 जो है ये भाजक है, ये भाजक है, यहाँ अगर 2 दिया रहेगा तो 2 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। यहाँ 3 है, 3 भाजक होगा। अगर यहीं पे 4 रहेगा तो 4 भाजक हो जाएगा। अगर यहीं पे 5 रहेगा तो 5 भाजक हो जाएगा। जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा। तो यानी अगर 4 रहेगा तो 4 यहाँ देंगे, अगर 5 रहेगा तो 5 देंगे। यहाँ है 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, भाजक 3 होगा। कोई संख्या कोई भागफल क्यू होगा तो शेषफल कोई आर होगा। तो इसमें देखिए कोई शेषफल आर होगा, तब अगर इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणांक इसके साथ 3 गुना उसके बाद क्यू प्लस आर। तो इसको अगर गुना हटा दें तो ए बराबर होता है 3 क्यू प्लस आर। ए बराबर हो गया 3 क्यू प्लस आर। तो इसमें कह रहा है, तो यहाँ हम मान लेंगे क्या, ए क्या है, पूर्णांक है, यानी धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे, माना कि कोई कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, एवं भागफल क्यू है, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे, लिखेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रमेयिका से, तब वही ए बराबर क्या हो जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, 3 क्यू प्लस आर, अभी बताए थे। तो आर का 3 क्यू प्लस आर, यहाँ देखिए आर का मान जो रखेंगे इसमें, संभव मान क्या होगा, बताए थे आर का मान जो भी होगा भाजक से कम ही होगा। तो भाजक से कम क्या होगा, आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, यानी कि 0 1 2 0 1 2, 3 गो भाजक आया, यानी 3 जो है 3 गो मान आया, कौन चीज़ का, भाजक से कम मान क्या है, 0 1 2, 3 नहीं हुआ, 3 बराबर हो जाएगा, इसीलिए 0 1 2 लिख लिया। अब आर का मान रखेंगे इसमें, एक बार रखेंगे 0, तब रखेंगे 1, तब रखेंगे 2। तो चलिए रखते हैं, कंडीशन मान लेंगे, यानी पहला कंडीशन, यानी केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, पहले केस फर्स्ट मानते हैं। यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट में लिखेंगे, तो लिखेंगे जब आर बराबर 0 हो, तो आर बराबर 0 हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तब ए बराबर 3 क्यू प्लस 0 हो जाएगा, आर की जगह पे 0 दे देंगे। तब लिखेंगे ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 क्यू, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है दिखाने के लिए, तो हम क्या लिखेंगे, इसका वर्ग करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो क्या हो जाएगा, ए का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, 3 क्यू का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9, क्यू का वर्ग करेंगे क्यू स्क्वायर। इसमें देखिए ये ए स्क्वायर लेंगे,
इसमें देखिए तीन कॉमन आ रहा है, इसमें अगर हम तीन कॉमन ले लेंगे, 3q² होगा, इसको जो है हम m मान लेंगे, तो m मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, a² बराबर 3m हो जाएगा। अगर 3m हो गया तो यहाँ m आया कहाँ से, तो ये 3q की जगह पे लिखें, किसके जगह पे लिखें, 3q की जगह पे, सॉरी इसमें 3q जो लिखे हैं ना, ये q जो है इस पे स्क्वायर नहीं होगा, इस पे होगा, 3q² होगा, यानी कि जहाँ लिखेंगे, जहाँ जहाँ m बराबर 3q², m बराबर 3q², उसके बाद तो दूसरा कंडीशन क्या लिखेंगे, केस सेकंड, जब r बराबर 1 हो, तो r बराबर 1 हो तो a बराबर तब क्या हो जाएगा, a बराबर 3q+1। अब इसमें भी क्या करेंगे, धनात्मक वर्ग निकालना है, धनात्मक वर्ग दिखाना है, इसीलिए तब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे दोनों पक्षों का तो क्या हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग बराबर 3q+1 का वर्ग, तो ये a² हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे, चलिए देखते हैं, इसका वर्ग जो करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, a+b² पे है, तो इसका हो जाएगा a² + 2ab + b², यहाँ देखिए a+b² पे a², तो 3q² करेंगे, a² + 2ab + b² तो 1 का स्क्वायर, देखिए यहाँ a² हो गया, 2ab तो 2ab + b², उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे, ये 3 3 9 q² + 3 2 6 तो 6q+1 हो जाएगा। इसमें देखिए इसमें भी तीन कॉमन आ रहा है, इसमें हम कॉमन ले लेंगे, ये a² बराबर हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 तो 9, तो 3q² + 3 2 6 तो 2q, ये +1 बच जाएगा। उसके बाद a² बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम पूरे को m मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 3m+1, यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या हो जाएगा, 3q² + 2q, 3q² + 2q क्या हो जाएगा, 3q² + 2q। अब यहाँ फिर देखिए, अब ये आ गया, अब लिखेंगे तीसरा कंडीशन क्या होगा, केस 3rd, जब r बराबर 2 हो, तो ये लास्ट कंडीशन है, r बराबर 2 हो तो, जहाँ r बराबर 2 हो तो, ये समझे होंगे, यानी कि इसमें जो है ना कॉमन ले लिए थे, 3 कॉमन लिए, 3q² + 2q हो गया, इसमें से 2 कॉमन आया, इसमें से 2 जो है ना यहाँ आया, 3 कॉमन आ गया, तो ये 3 आया, 3q, इसमें से 3 कॉमन आया, 3 3 9 3q², यहाँ 3 इसमें से कॉमन आया, 3 2 6 2q + ये 1 बच गया, तो इसको हम लिखे हैं, तो ये पूरे को m मान लिए, पूरे को m मान लिए, तो 3m ये +1 हो गया, जहाँ m बराबर जो है इसको लिख दिए हैं, ये माने हैं m बराबर लिखे हैं, इसीलिए अब तीसरा कंडीशन r बराबर क्या रखेंगे, r बराबर 2 हो तो, r बराबर जब 2 रखेंगे तब यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर तब क्या होगा, देखते हैं, 3q + 2, तो इसका भी वर्ग करेंगे, यानी लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वर्ग जब करेंगे लिखेंगे 1 का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, सॉरी 3q+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका जो है होल स्क्वायर हो गया। चलिए अब यहाँ पे तोड़ते हैं, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, चलिए इसको देखिए, a² है तो a² होगा,
ए स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एक ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 3Q का स्क्वायर करेंगे, 3 A² हो जाएगा प्लस 2A। ए क्या है? 3Q है, 3Q 2A। बी क्या है? 2 है, 2AB प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर देंगे, समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, उसके बाद 3 3 9, 9Q² तो 9Q² प्लस 3 2 6 2 12, 12Q प्लस ये 2 2 4 हो जाएगा। इसको 4 को हम अलग देखिए, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी आ रहा है, इसमें 3 + 1 कर देंगे तो कॉमन लेने में सहूलियत रहेगा और आगे जो है आय मान जो आएगा वो भी आ जाएगा। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 9Q² प्लस 12Q प्लस 3 + 1 हो जाएगा। इसमें से हम कॉमन लेंगे, जैसे ए स्क्वायर लिखेंगे, इसमें से हम 3 कॉमन अगर ले लेते हैं तो इसमें आ जाता है 3 3 9, 3Q² प्लस, इसमें देखिए 3 4 12, यहाँ 4 आ जाएगा, 4Q। उसके बाद प्लस यहाँ 3 कॉमन आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, ये +1 बच जाएगा। तो अब इसको हम जब लिखेंगे तो ए स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 3, ये पूरे को m मान लेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ चिन्ह आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ ए स्क्वायर बराबर 3m + 1 आ गया। पहले देखिए m कह रहा था, m दर्शाने के लिए क्या कह रहा था, m के लिए 3m या 3m + 1, 3m + 1 के रूप का होता है तो आ गया दर्शा दिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, यही मान आ जाएगा इसको जो अभी बोले, यहाँ हो जाएगा 3Q² प्लस 4Q प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ अब लिखेंगे अतः अतः किसी धनात्मक धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक का वर्ग वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है ये दर्शा दिए, ये प्रूव्ड भी होगा, PROVED प्रूव्ड हो गया। तो अब इसमें आप लोग को करना क्या, इसमें जगह नहीं था इसीलिए दूसरे पेज में लिख तो थोड़ा प्रॉब्लम होता समझने में, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक अगर समझ गए होंगे तो उसके लिए धन्यवाद। और बात रहा, आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले यहाँ तक ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद दूसरा बार में यहाँ तक ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, अगर ले लिए होंगे तो अच्छा है। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो, यानी क्वेश्चन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में, तो हमको कमेंट करके अवश्य बताइएगा, उसके लिए आगे सॉल्व करके पुनः दोबारा कोशिश करेंगे समझाने का। धन्यवाद।